हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान ज्योग्राफी में आज अपन लेक्चर नंबर 28 कवर करेंगे, जिसमें जो इरिगेशन मेथड्स की बात कर रहे थे, जिसके ऑलरेडी दो लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ के लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये आप देख सकते हैं। और अगर डायरेक्टली आपको देखना है तो आप देख ही पा रहे हैं अभी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएं। जैसा कि ये कॉमन लाइन है जो मैं रिपीटेडली बोलता आ रहा हूँ हर वीडियो के स्टार्ट में, कि ये जो अपन सिलेबस कवर कर रहे हैं वो राजस्थान RPSC के अकॉर्डिंग, राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो RPSC के अंडर में एग्ज़ाम होती है उसके अकॉर्डिंग अपन सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, बट ये अदर एग्ज़ाम जो भी राजस्थान में हो रही है उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बात नहीं है, आप रीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप लेक्चरर्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी, या फिर राजस्थान पुलिस या कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना रहेगा लार्ज इरीगेशन प्रोजेक्ट्स। राजस्थान, जैसे कि अपने को पता है कैसे क्लाइमेट है, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन के अंदर राजस्थान लोकेटेड है। रेनफॉल अपने यहाँ पर बहुत ही कम रहता है। अब रेनफॉल अगर कम कंडीशन रहती है तो अपने को यहाँ पर डेफिनेटली पोंड्स, केनाल सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, इनके ऊपर अपने को रिलाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर अपन वाटर स्टोरेज या वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो अपनी यहाँ पर लाइफ सर्वाइवल है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान में वो बहुत सारे हैं, जिनमें आप फर्स्ट आज अपन ऑलरेडी एक मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है वो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस सेक्शन में। आज अपन बात करेंगे केवल लार्ज इरीगेशन प्रोजेक्ट की। यहाँ पर इरीगेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बात अपन कर चुके हैं। मल्टीपर्पज का मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में क्या होता है, फिशरीज भी आप कर सकते हो और इरीगेशन का भी, ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत सारे काम एक साथ आप करते हो। बट यहाँ पर अपन जो ध्यान देने वाले हैं वो इरीगेशन पे ही मेजर अपना ध्यान रहेगा, और कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं आज, जिनके अंदर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी। बट मेजरली जितनी भी अपन बात करेंगे, चाहे अपन 10-15 जितने भी नाम देखेंगे आज, वो सारे इरीगेशन प्रोजेक्ट्स ही हैं। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्मदा केनाल प्रोजेक्ट की। नर्मदा केनाल प्रोजेक्ट जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है, ये नर्मदा रिवर से स्टार्ट होती है। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो है अमरकंटक। कहाँ से? अचानकमार, अमरकंटक वाला रीजन। अमरकंटक कहाँ पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली बॉर्डर से। तो वहाँ से ये निकलती है नर्मदा रिवर, और ये फ्लो होती हुई MP से होती हुई फिर ये एंटर हो जाती है किसमें, गुजरात से, और फिर बे गल्फ ऑफ कैम्बे, मतलब खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, गल्फ ऑफ कैम्बे, या कैम्बेट भी बोल दिया जाता है कई बार, और गल्फ ऑफ कैम्बे भी आपको कई बार लिखा हुआ मिल सकता है। खंबात की खाड़ी आपने नाम रिपीटेडली सुना होगा। तो ये नर्मदा रिवर से शुरू होती है और ये आप ट्रैक देख सकते हो इस तरीके से जाती हुई, फिर ये राजस्थान में यहाँ तक पहुँचती है, और राजस्थान में इस वाले रीजन में जो साउथ वेस्टर्न रीजन जो है राजस्थान का, उस वाले रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, बाड़मेर और जालोर, इनके कुछ रीजन्स को यहाँ इससे वाटर सप्लाई मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर अपन देखें यहाँ पे, तो जैसे कि नर्मदा से यहाँ से इरीगेशन फैसिलिटी या फिर ये कैनाल सिस्टम बाहर निकल रहा है, तो देखो एक तो गुजरात को फैसिलिटेट कर रही है ये, एक राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान को फैसिलिटेट, और जैसे कि नर्मदा ऑलरेडी मध्य प्रदेश वाले रीजन से फ्लो होके आ रही है तो मध्य प्रदेश को भी इसका वाटर सप्लाई मिलता है, और साथ में महाराष्ट्र, ये चार इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं नर्मदा के। ये जो सरदार सरोवर डैम वाला प्रोजेक्ट है जिसके अंडर में ये नर्मदा वाला प्रोजेक्ट अपने को मिलता है, तो सरदार सरोवर डैम है वो बना हुआ है इस जगह पे, ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सरदार सरोवर डैम की जो पार्टीज़ हैं चार कंट्रीब्यूटिंग पार्टी, वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इनके बीच में डिस्प्यूट भी चलता रहता है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पर आपन ने मैप के अंडर देखने की कोशिश की, यहाँ से ये जो निकल रही है इस कैनाल को क्या बोल दिया गया, नर्मदा कैनाल। इसके बारे में अब थोड़ी डिटेल अपन और गेन कर लेते हैं। गुजरात और राजस्थान से होती हुई ये पास होती है, जैसे कि अपन ने मैप में देखा, नर्मदा कैनाल की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। सरदार सरोवर डैम के अंडर में तो क्या है, सरदार सरोवर डैम तो ये चारों स्टेट्स की कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर आधारित है, ठीक है। इसमें से राजस्थान को पानी मिलता है 0.5 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, इतना वाटर शेयर रहता है राजस्थान का। और राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राजस्थान के जालौर और बाड़मेर, दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको इसकी बेनिफिट मिलता है, किसका, ये जो कैनाल है नर्मदा कैनाल। और ये नर्मदा कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है, और राजस्थान में ये एंटर होती है सांचौर
तहसील है जालोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एक गांव है सीलू। क्या नाम है? सीलू विलेज। यहाँ पे ये एंटर होती है राजस्थान के अंदर। और इस पर्टिकुलर अगर डैम की बात कर दें, सरदार सरोवर डैम का, तो इसका डिस्प्यूट जो है मैं वो बता चुका हूँ, ये चल रहा है। वो डिस्प्यूट किस बात को लेके चल रहा है कि इस डैम की हाइट को इनक्रीज़ करना, जो कि 110.64 मीटर से 121.91 मीटर तक करनी है। तो इसमें डिस्प्यूट कैसे राइज होता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मान लो ये नर्मदा रिवर इस तरीके से आ रही है अपने ट्रैक पे, और आपने यहाँ पे डैम बनाया। डैम का मतलब क्या हो गया? आपने एक बंडिंग कर दी और बड़ी दीवार बना दी जिसके गेट्स हैं बहुत सारे। अब आपने अभी करंटली इसकी हाइट कितनी है बता सकते हैं अपन? 110.64 मीटर इसकी हाइट है। तो ये जितना भी आसपास वाला एरिया है, ये इतने एरिया को सबमर्ज करता है इसमें जो पानी इकट्ठा होता है। तभी तो सरोवर बना, सरदार सरोवर मतलब कोई वाटर बॉडी बड़ी सी। अब ये इतने बड़े एरिया को एक तरीके से सबमर्ज करता है, पानी के नीचे डुबो देता है। अगर आपने हाइट थोड़ी ओवर इंक्रीज़ कर दी, और कितनी कर दी? 121.91 मीटर। तो और हाइट इंक्रीज़ करोगे तो ये आपको और बड़ा बनाना पड़ेगा। अब ये हाइट इंक्रीज़ होगी तो और ज़्यादा बड़े एरिया को ये पानी सबमर्ज कर देगा। तो इसकी वजह से आसपास में क्या है, जो भी लोग सेटल्ड हैं आसपास के एरिया में, उन लोगों का हैबिटेशन लॉस हो जाएगा। आसपास में अगर बहुत सारे जंगल हैं, खेत हैं, वो भी सबमर्ज हो जाएंगे, तो लाइवलीहुड भी लॉस हो गया, और साथ में फॉरेस्ट लाइफ है या वाइल्ड लाइफ है उसका भी लॉस हो जाएगा, और साथ में बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो जाएगा। इसके अल्टीमेटली इसका वो क्या निकलेगा? माइग्रेशन एक रिजल्ट के तरीके से होगा, जिसमें लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं लोकल, इनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट काम करना भी पड़ता है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। तो पर्टिकुलर डिस्प्यूट ये है इसके अंदर कि हाइट बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा एरिया पानी के नीचे डूब जाएगा, तो लोगों का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें वो एक सवाल रहता है। बायोडाइवर्सिटी का सवाल रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और दूसरा, अगर आपने अपर ट्रैक के अंदर ही पानी को रोक लिया है, मान लो यहीं पर आपने रोक लिया है, मैं मैप पर जाऊँगा फिर से, आप यहाँ पर देख पाओगे, अगर आपने पानी को इस जगह पर रोक लिया तो यहाँ पर पानी की सप्लाई कम होगी कि नहीं? वाटर सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पर आपने ये डैम बना दिया उसके बाद में। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर सप्लाई अगर कम होगी तो यहाँ पर ड्रॉट की इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब बहुत सारे रिपरकशंस हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ चलते रहते हैं। और ये बहुत सारे रिवर्स हैं, ये शुरुआत हुई थी 1956 में, जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और जब स्टेट्स का डिवीज़न हुआ तो रिवर्स का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच गया था। रीज़न बीइंग, क्योंकि पहले गुजरात और महाराष्ट्र मान लो एक थे, अब ये रिवर अगर इधर से फ्लो हो रही थी, गुजरात और महाराष्ट्र एक थे तो इनको कोई इशू नहीं था, बट आज अगर यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात डिवाइड हो गए हैं, तो उस केस में क्या हो गया कि गुजरात बोलेगा हमें पानी कम मिलता है, महाराष्ट्र हमें मिलता है। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु दो मेजर पार्टीज हैं, मैं बोल रहा हूँ मेजर पार्टीज हैं, होने को तो केरला और पुडुचेरी भी है पर मेजर पार्टीज़ की। ये अगर कैनाल की बात करें, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कैनाल की बात करें, कैनाल जो है इसकी लेंथ देखोगे तो 532 मीटर किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में सिर्फ ये 74 किलोमीटर तक ही है। अपन मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से जा रही है और राजस्थान में सिर्फ 74 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये इकलौती ऐसी इरीगेशन फैसिलिटी है जो राजस्थान में फर्स्ट टाइम ऐसी इरीगेशन फैसिलिटी स्टार्ट हुई, जो कि पूरी स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फंवारा पद्धति पे चलती है। कहने का मतलब आप फंवारे बेसिस पे ही चला सकते हो इसके अंदर, अगर आप इरिगेशन कर रहे हो तो फंवारों से ही इरिगेशन कर सकते हो। ओपन कैनाल, नाले की तरह नहीं है ये, एक तरीके से ओपन एक तरीके की कैनाल होती है ना जो नॉर्मली आप देखते हो, वैसी नहीं है ये। यहाँ पे फुली स्प्रिंकलर सिस्टम आपका काम करता है, आप जो इरिगेशन करोगे वो ओपन नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अपनी गंग कैनाल। गंग नहर जो है, इसके बारे में अपन थोड़ा ट्रैक देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो गंग नहर यहाँ से यूपी के अंदर हुसैनी वाला है, फिरोजपुर के अंदर, वहाँ से ही ओरिजिनेट होती है। और इस ये रिवर फिर राजस्थान के गंगानगर में एंटर होके विजयनगर अनूपगढ़ वाली तहसील जो है गंगानगर की, वहाँ पर ये इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। ये राजस्थान की पहला इरीगेशन प्रोजेक्ट था, जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस ही इसका माइलस्टोन लग चुका था, इनॉग्रेशन हो चुका था बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो, मैप अपने सामने स्क्रीन पे है, तो एक एक चीज़ों को ढंग से देख लो। सिद्धमुख रतनपुर वितरिका, ये देखो वितरिका होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो सिद्धमुख जो मेन है कैनाल, उससे निकाली हुई है, जो कि हनुमानगढ़ के
पर्टिकुलर एक रीजन को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। ऐसे ही ये राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर, एक तो सिद्धमुख रतनपुर है, एक है नोहर। नोहर है वो हनुमानगढ़ और चूरू दोनों को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, हनुमानगढ़ और चूरू को। ऐसे ही आप देख रहे हो यमुना लिंक नहर, तो ये इसको गुड़गांव नहर भी बोलते हैं। गुड़गांव से फिर ये भरतपुर में एंटर हो जाती है और ये भरतपुर वाले रीजन को इरिगेशन वाटर अवेलेबल कराती है। ऐसे ही भरतपुर केनाल भी क्या है, यमुना से निकली हुई है और भरतपुर वाले रीजन को ही पानी प्रोवाइड करती है। ऐसे ही आप देख रहे हो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, ये जो है इंदिरा गांधी लिफ्ट जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है चंबल रिवर से पानी पिक किया जाता है, जिसमें सवाई माधोपुर से होते हुए और थोड़ा बहुत करौली को पानी प्रोवाइड कराया जाता है, और साथ में भरतपुर को भी, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर वाला जो प्रोजेक्ट है, ये इधर से जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट प्रोजेक्ट ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो ऑप्शन में ये आपको इधर वाले मिलेंगे और एक ऑप्शन इनमें से कोई सा मिल जाएगा जो कि बिल्कुल अपोजिट है, एक तो वेस्ट में एक ईस्ट में। तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि इंदिरा गांधी लिफ्ट प्रोजेक्ट किस तरफ है। ऐसे ही आप देख रहे हो ईसरदा बांध, ये क्या है जो बनास रिवर का एक्सेस में वाटर जो बचा उस वाटर को यूज़ करने के लिए सवाई माधोपुर में डैम बना हुआ है। ऐसे ही आप देख रहे हो बीसलपुर का लोकेशन देखो कहाँ पर है, ये टोंक के अंदर बना हुआ है और टोंक में जो बना हुआ है इससे वाटर सप्लाई होती है जयपुर, नागौर, देखो इधर ये जा रही है नागौर की ब्रांच, ये हो गया अजमेर वाली ब्रांच और ये टोंक खुद, और इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो केवल और केवल टोंक को मिलती है इसके अंदर। ऐसे ही जाखम प्रोजेक्ट को आप देख पा रहे हो जो प्रतापगढ़ वाले रीजन के अंदर है, वहाँ पर लोकेट जाखम रिवर जो कि माही की ट्रिब्यूटरी है उस पर लोकेटेड है। ऐसे ही भीखाबाई सागवाड़ा जो कैनाल सिस्टम है ये कहाँ पर है, ये डूंगरपुर वाले रीजन में है। ऐसे ही नर्मदा को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देख लो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को दे रही है, बाड़मेर और जालौर इन दो को। तो ये मैप आप स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट मैप, इसको देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से पर्टिकुलर रीजन में लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट राजस्थान में कौन कौन से चल रहे हैं। तो अभी अपना टॉपिक जो है वो है गंग कैनाल। गंग कैनाल के बारे में अपन थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। इसको बीकानेर कैनाल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जब ये इनॉग्रेट हुई थी या बनी थी तो उस टाइम पे बीकानेर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, ठीक है, और उसी प्रिंसली स्टेट के जो किंग थे उस पर्टिकुलर टाइम के गंगा सिंह, उन्होंने इसको बनवाया था 1922-27 में, इसका 92 से 27 के बीच में इसका पूरा काम हुआ था और इसका इनॉग्रेशन जो है वो हुआ था 1927 में, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। जैसे कि यहाँ पे देखो इनका अलायंस रहता था, राजस्थान वाले जो प्रिंसली स्टेट के किंग हुआ करते थे उनका अलायंस पहले तो था मुगल्स से और फिर बाद में इंग्लिश से हो गया था, अंग्रेज़ों से भी हो गया था, तो इन्हीं को आगे करके रखते थे। बस वही चीज़ है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं तो फाइट करना पड़ता, इसी वजह से तो 1857 रिवोल्ट हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन सप्रेस करने के लिए पूरी हेल्प की थी। आप देखते हो हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिकली चलो ठीक है, इसको बीकानेर कैनाल इसीलिए बोल दिया गया था क्योंकि गंग नहर तो अब नाम दिया गया जब गंगा सिंह ने इसको बनाया, तो गंगा सिंह को एक ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है। बाकी बेसिकली इसका शुरुआत में नाम क्या था, बीकानेर कैनाल, और इसकी फैसिलिटी का बेनिफिट सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा था, जैसे ऑलरेडी अपन देख चुके हैं गंगानगर में। ये अपने स्टेट का फर्स्ट कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट रहा हुआ है, और साथ में इसका ओरिजिन कहाँ से होता है इस कैनाल का, ये फिरोजपुर नाम से डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ पर हुसैनी वाला है सतलुज रिवर से, वहाँ से ये कैनाल निकाली गई है। फाउंडेशन स्टोन है वो किंग ने खुद ने लगाया था 1921 में 5th of September को, और इनॉग्रेशन 26th October 1927 को लॉर्ड इरविन देन वाइसरॉय उनके द्वारा किया गया। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करते हो ना तो चीज़ों को इतने ध्यान से पढ़ो कि इसका रेलेवेंस, अब यहाँ पे देखो मॉडर्न हिस्ट्री से जा रहा है सीधा सीधा कि 1927 के टाइम पे कौन था वाइसरॉय, तो ये चीज़ हो जाएगी कि लॉर्ड इरविन ही थे। यहाँ पे देखा जाए तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके अंदर वाटर सप्लाई को और फुलफिल करने के लिए, कमी ना रहे उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ से एक लिंक कैनाल भी कनेक्ट की हुई है। और इस कैनाल की टोटल लेंथ कितनी है गंग नहर की, 129 किलोमीटर, और उसमें से राजस्थान में कितनी फ्लो होती है, 112 किलोमीटर लेंथ कवर करती है। नेक्स्ट है राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर। अब सिद्धमुख और नोहर ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं,
सेपरेट है, एक में रतनपुर आ जाती है, एक में नोहर आ जाती है। तो सिद्धुमुख का हिसाब से तो पूरा ये हॉलिस्टिक टर्म है, जबकि नोहर और रतनपुरा अलग है। रतनपुरा अपन आगे प्रोसीडिंग स्लाइड्स में देखेंगे, नोहर के बारे में इनके बारे में थोड़ा डिटेल अभी लेने की कोशिश करते हैं। जब रावी ब्यास एग्रीमेंट, जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अंदर अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में 1982 में हुआ था, उसके अंडर इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया गया था, और इसकी फंडिंग जो थी वो की फाइनलाइज हुई थी किससे, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो कि आज का यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, 1982 में किस नाम से जानते थे इसको, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वहाँ से फंडिंग मिलती थी। और उसका फाउंडेशन स्टोन जो लगा राजीव गांधी सिद्धुमुख नोहर नहर का, वो लगा 5th of October 1989 को, और इसको बन के लिए तैयार हो गई थी और इनॉग्रेशन होकर के स्टेट को इसको डेडिकेट, पब्लिक को डेडिकेट कर दिया गया था 12th July 2002 को। यहाँ पर जो पानी अवेलेबल होता है राजीव गांधी सिद्धुमुख नोहर नहर वाली को, तो ये मिलता है जो भाखड़ा नांगल डैम जो है ना, वहाँ से पानी लिया जाता है। जैसे कि अपन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रावी व्यास एग्रीमेंट जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, व्यास लिंक नहर थी जो कि व्यास का जो एक्सेस पानी है वो ला करके भाखड़ा नांगल में डालती है, और भाखड़ा नांगल से जो पानी अगर एक्सेस में रहता है तो उस एक्सेस पानी को सप्लाई किया जाता है इधर, कहाँ पे, राजीव गांधी सिद्धुमुख नोहर में। तो इंटरलिंकिंग रहती है, कहने का मतलब। तो अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं कि सिद्धुमुख नोहर इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो वो स्टार्टिंग होती है कहाँ से, भाखड़ा नांगल डैम में। अब राजस्थान में जैसे ही एंटर होती है तो उसके बाद में इसकी दो ब्रांचेस बन जाती है, जो कि एक तो विलेज भिरानी की तरफ जो जाती है हनुमानगढ़ के अंदर, वो तो हो जाती है सिद्धुमुख इरीगेशन प्रोजेक्ट, जबकि विलेज फेफाणा की तरफ चले जाती है तो उसको नोहर प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, भिरानी की तरफ कौन सी होगी, सिद्धुमुख, और फेफाना की तरफ कौन सी हो जाएगी, नोहर प्रोजेक्ट। ये आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर नेक्स्ट आता है बीसलपुर प्रोजेक्ट। बीसलपुर के बारे में अपन ने देखा कि रिवर बनास, जिसकी दो ट्रिब्यूटरी और आकर के यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनाती है, मतलब एक कहते हैं ना इसको, कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स वो होता है, वहाँ पर ये बनाया हुआ है, और एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट रहा जो कि जयपुर, अजमेर, टोंक और नागौर के एरियाज़ को वाटर सप्लाई करती है। इवन जयपुर सिटी को भी वाटर सप्लाई होती है यहाँ से, और इरीगेशन फैसिलिटी केवल टोंक में, टोंक को ही प्रोवाइडेड है। इसकी लोकेशन अगर अपन देखें तो बीसलपुर नाम से एक विलेज है, टोडा राइसिंग टाउन है उसके पास में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, टोंक जिले के अंदर, और रिवर कौन सी है, जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, बनास रिवर के। ये राजस्थान की लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। अब जैसे ही आप देख लो गर्मी आ चुकी है, चलो अब की लास्ट ईयर तो अच्छी बारिश हुई थी तो बीसलपुर के अंदर पानी बहुत था, बट अभी जो बारिश अगर नहीं होती है तो आप देखते हो कि अब बीसलपुर में इतने दिन का पानी रहा है, इतने दिन का पानी रहा है। तो वो क्यों है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, करंट अफेयर बेस्ड, कि राजस्थान के अंदर फुल्ली स्काडा ऑटोमेशन बेस्ड, ठीक है, स्काडा सिस्टम बेस्ड कौन सा मतलब वाटर प्रोजेक्ट है, तो वो हो जाएगा बीसलपुर प्रोजेक्ट। ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी था, कुछ ने तो सही जवाब दिया, पर कुछ लोग जिनको अपडेट नहीं है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। ओके, तो जयपुर सिटी को जो पानी सप्लाई होता है वो भी यहीं से होता है, और वो कहाँ से, सूरजपुरा नाम से जगह है टोंक में, वहाँ से बालावाला सांगानेर जयपुर तक एक पाइपलाइन बिछी हुई है जो कि जयपुर सिटी को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अवेल करवाता है। और इसकी फंडिंग जो है वो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, क्या है, RIDF, जो कि नाबार्ड, बाबार्ड लिख दिया, ये नाबार्ड के अंडर में आती है, उसके द्वारा ये फंडिंग की जाती है बीसलपुर प्रोजेक्ट के जो भी काम होते हैं। नेक्स्ट है जाखम प्रोजेक्ट। जाखम प्रोजेक्ट कहाँ था, साउथ राजस्थान में प्रतापगढ़ में। यहाँ से जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है दरियाबाद और प्रतापगढ़ तहसील दोनों को, और ये राजस्थान का हाईएस्ट डैम है, मतलब हाईएस्ट लोकेशन पे लोकेटेड, हाइट पे लोकेटेड है। ठीक है, जैसे कि अपने को पता है, जैसे अपन साउथ राजस्थान में जाते हैं तो अरावली की जो हाइट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है जैसे अपन साउथवर्ड मूव करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पानी की अवेलेबिलिटी को कंटिन्यू रखने के लिए एक पिकअप डैम भी बनाया हुआ है। पिकअप डैम जो मैंने ऑलरेडी बताया जब कोटा बैराज की बात की थी और जवाहर सागर की बात की थी, कि अगर बड़ा डैम आगे है और उसमें पानी की सप्लाई कम हो रही है या फिर रिवर में फ्लो कम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा 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 पानी लोगे और इसको यहाँ से जंप अप करोगे, तो ये पिकअप डैम हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पानी इकट्ठा करके आप छोटा मोटा कुछ भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम भी कर सकते हो, क्योंकि हाइट पे है, तो हाइट पे है तो आप टर्बाइन घुमा सकते हो आराम से। स्वदेश मूवी देख लो, आप नहीं देखी हो तो समझ पाओगे अच्छे से ज़्यादा चीज़ें, या फिर वीडियो देख लो यूट्यूब पर कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर कैसे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हाइट पर अगर डैम है तो इससे क्या होगा,
फिर वाटर सप्लाई होगी, तो वाटर सप्लाई से क्या होगा, टर्बाइन रोटेट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ से बिना कोई एक्सटर्नल पावर लगाए अगर हाइट पे डैम है, हाइट पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उससे क्या हो जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए केवल आपको कैनाल्स नाले निकालने पड़ेंगे छोटे छोटे, और उससे आप खेतों तक पानी आराम से पहुँचा सकते हो, तो इरिगेशन भी एफिशिएंट हो जाता है, राइट। तो एक पिकअप डैम भी बनाया हुआ है कि इस जाखम डैम के अंदर पानी की कमी ना आए। और जाखम डैम में जो पिकअप डैम बना है वो कहाँ पे बनाया हुआ है, नागरिया विलेज है प्रतापगढ़ के अंदर ही, वहीं पे बनाया हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे अपने देखा कि ये हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान है, तो हाइट पे अच्छा है, तो यहाँ पर एक दो छोटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स भी हैं जो 9 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जैसा कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो रीजन है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये ट्राइबल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, तो ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये चल भी किसके अंडर रहा है, ट्राइबल सब प्लान में, जिसमें आप इरिगेशन फैसिलिटी अवेल कराते हो ट्राइबल रीजन में, ठीक है। इसके बारे में अपन और आर्ट एंड कल्चर और जो राजस्थान हिस्ट्री है उसमें और देखेंगे डिटेल में, फिलहाल अपन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, वो देख लिया अपन ने। नेक्स्ट है ईसरदा डैम, ये मैंने लोकेशन बता दी थी, कहाँ पर है ईसरदा डैम, सवाई माधोपुर में। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी किस किस को मिलती है, टोंक, जयपुर और सवाई माधोपुर को, जबकि इरिगेशन फैसिलिटी है वो केवल सवाई माधोपुर को मिलती है। यहाँ पर बेसिकली काम क्या है, जो भी एक्सेस वाटर आता है बनास रिवर का, क्योंकि मैंने बताया कि बनास रिवर का ओरिजिन होता है खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होती हुई, फिर ये फ्लो होती हुई टोंक से होती हुई फिर सवाई माधोपुर में एंटर करती है। तो आपने बीसलपुर पहले बना दिया यहाँ पे, अब बीसलपुर अगर बड़ा डैम यहाँ पे बना दिया तो आगे क्या होगा, आगे की ट्रैक पे वाटर स्टोरेज या वाटर सप्लाई कम रहेगी। फिर भी अगर एक्सेस में वाटर आ जाए तो आप क्या करते हो, एक और डैम बनाते हो जिसको ईसरदा आपने बोल दिया। अब ईसरदा के अंदर आप एक्सेस में वाटर जो है वो अगर स्टोर कर लेते हो तो जयपुर टोंक सवाई माधोपुर की जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हो, और साथ में इरीगेशन फैसिलिटी जो सवाई माधोपुर में अगर शॉर्टेज बढ़े तो आप उसको भी फुलफिल कर सकते हो। तो ईसरदा लोकेशन कहाँ पे है, इरीगेशन किसको और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी किसको मिल रही है, ये चीज़ अपन ने देखी। नेक्स्ट है भीखाबाई सागरवाड़ा कैनाल प्रोजेक्ट, ये अपन ने देखा कहाँ पे, डूंगरपुर में देखा था। और कौन से रिवर पे है ये, माही रिवर पे। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सेल्फ फाइनेंस इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, पहले तो पैसे इकट्ठे किए और फिर उसके बाद में क्या हो गया, जो कुछ भी आपने इरिगेशन के लिए यहाँ से फैसिलिटी, तो आप क्या करोगे कि भाई इसका पैसा लगेगा, आप पैसे दो, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है या फिर बहुत कम मिलती है, ऐसे केस में क्या करोगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आ जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे, कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया, अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद में आप इरिगेशन वाटर अगर ड्रिंकिंग वाटर अगर आप नियर बाय रीजन में अवेल करा रहे हो तो आप उनको बोलोगे भाई आपको इतना चार्ज देना, आपको इतना वाटर की जितना वॉल्यूम आप अवेल करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज लोगे, और उसी का यूज़ करके आप इसका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट और एडवांसमेंट आप इंश्योर कर सकते हो। तो ये क्या है, सेल्फ फाइनेंस्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब खुद से खुद का खर्चा उठाता है। यमुना लिंक कैनाल जो अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, यमुना लिंक कैनाल, इसको गुड़गांव कैनाल भी बोलते हैं, इसकी जो बेनिफिट है वो भरतपुर के अंदर कामा और डीग तहसील है दोनों उनको मिलता है। और इसका जो स्टार्टिंग है वो होती है आगरा के अंदर मोखला हेडवर्क है, वहाँ से यमुना से वहाँ से शुरू होकर के राजस्थान के अंदर ये एंटर करती है जुरहरा विलेज जो कि कामा भरतपुर में लोकेटेड है। और राजस्थान को इस लिंक कैनाल के थ्रू 500 क्यूसेक वाटर अवेल होता है। अगर इस कैनाल की लेंथ की बात करें तो हरियाणा में तो है 88.56 किलोमीटर, जबकि राजस्थान की बात करोगे तो 53.35 किलोमीटर्स। ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं फैक्ट है, फैक्ट को आप रिवाइज़ करना, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। 2 से 3 बार अगर ये पीपीटी आप देख लोगे, वीडियो अच्छे से देख लोगे, 2 से 3 बार काम हो जाएगा एकदम बढ़िया से। और इनके नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करके रखना भाई, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की अगर अपन बात करें लार्ज इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में, तो भरतपुर कैनाल प्रोजेक्ट, यमुना लिंक कैनाल और भरतपुर कैनाल प्रोजेक्ट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यमुना लिंक कैनाल को गुड़गांव कैनाल बोलते हैं, जबकि भरतपुर कैनाल प्रोजेक्ट वो अलग से है जो कि यमुना से ही निकलती है, जो कि भरतपुर को ही फैसिलिटेट करती है। तो भरतपुर के अंदर दो कैनाल सिस्टम हो गए बेसिकली, एक तो यमुना लिंक कैनाल जिसको अपन क्या बोलते हैं, और गुड़गांव कैनाल, ऐसे ही भरतपुर कैनाल प्रोजेक्ट। ऐसे ही सिद्धमुख रतनपुर प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरी, ये क्या है, सिद्धमुख राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना है, उसके अंडर से ही डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब उसी से एक ब्रांच निकलती है जो कि हनुमानगढ़ और चूरू को फैसिलिटेट करती है, जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं मैप के अंदर, ठीक है। जो सिद्धमुख थी वो वाली तो क्या करती थी, केवल हनुमानगढ़ वाले रीजन को फैसिलिटेट कर रही थी वाटर सप्लाई, जबकि ये सिद्धमुख रतनपुरा वाली जो मैप में देखी थी वो क्या, हनुमानगढ़ और चूरू दोनों को फैसिलिटेट कर रही थी। अब बेसिकली ये जो सिद्धमुख रतनपुरा प्रोजेक्ट किसने फंड किया था, वही बात रिपीट अगेन,
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के द्वारा, जो कि EU है आज। जब 1998 के अंदर भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के पेट्रोनेज में उस टाइम पे सेकंड पोखरण टेस्टिंग की थी, पोखरण 2.0। फर्स्ट तो 1974 में इंदिरा गांधी जी ने करवा दिया था, फिर उसके बाद में अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब करवाया था, तो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगना शुरू हो गए थे इंडिया पे, क्योंकि भाई इंडिया ने, जैसे आज ईरान के ऊपर US सैंक्शन करता उस तरीके से, बट इसको प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा गया और इसकी फंडिंग इंश्योर की गई नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड ने फंडिंग कंटिन्यू रखी। फिर इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल, जो अपन ने मैप में देख लिया था, करौली सवाई माधोपुर में बामनवास तहसील है वहाँ पर, और साथ में भरतपुर में बयाना तहसील है, वहाँ पर वाटर फैसिलिटी अवेल कराई जाती है। और रिवर कौन सी है? कैनाल। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना। और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कि या तो चल रहे हैं या फिर प्रपोज्ड हैं, तो एक तो है मनोहर थाना झालावाड़ में, जो कि परवन रिवर पे है। परवन रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है कमेंट बॉक्स में बताओगे आप मुझे। काली सिंध, ये प्रोजेक्ट झालावाड़ में, ये भी आप बताओगे कि किसके ट्रिब्यूटरी है। और परवन, ये देखो पूरा ही पवन लिखा गया है तो बिल्कुल स्पेलिंग गलत है, परवन ये बनाया जा रहा है बारा में, ठीक है, बारा में है परवन, ये भी आप बताओगे परवन किसकी ट्रिब्यूटरी है। और माही हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये दोनों का, ये प्रपोज्ड है, कुछ काम हो चुका है, कुछ कंप्लीट हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो इस तरीके से आज अपन ने जानने की कोशिश की कि राजस्थान में लार्ज इरीगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, क्या उनकी खासियत है, कहाँ से शुरू होती है, कौन कौन से ज़िले इनसे बेनिफिट होते हैं, और कहाँ से फंडिंग आती है, और किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अपने को अप्रोच करने हैं। तो ये स्लाइड्स अगर आप देख लोगे तो इनमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोज़ को शेयर करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो। थैंक यू।